नमस्कार मित्रों, एक बार फिर हम आपके बीच में हाजिर हैं और एक विशेष विषय को लेकर हम फिर आए हैं आपके बीच में। डॉक्टर एक्शन है नवट जिले के टीकाकरण अधिकारी। कोरोना COVID-19 जो है वह एक महामारी के रूप में फैला, असमय अनगिनत लोगों को काल के जाल में समा कर दिया। पूरे विश्व में सारे देश इससे प्रभावित हुए, भारत प्रभावित हुए, लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों, हमारे देश के योग्य चिकित्सकों ने, हमारे देश के फ्रंटलाइन वर्करों ने प्रथम लहर को समाप्त कर दिया। दूसरी लहर आई उसको भी लगभग समाप्त कर तैयारियां, तीसरी लहर आने वाली है और उसको लेकर सारे चिकित्सक जो फ्रंटलाइन वर्कर वही तैयार है अपने अपने तरीके से इसको पराजित कर, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बन जाती है। आपको क्या है? पहले तो हम चर्चा करेंगे डॉक्टर रेक्सन एलवर्ट से कि आखिर जो है वह तीसरी लहर है क्या और हमें उसके लिए करना क्या है। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर। COVID-19 का पहला प्रभाव हम सबने मिलकर उसको पराजित, दूसरा प्रभाव हुआ लगभग हम उसको भी पराजित, तैयारी तीसरी की और एक गंभीर समस्या बनकर सामने आ रही है। तो मैं निवेदन करूंगा आपसे कि ये तीसरी लहर से हम निपटने के लिए हमारी क्या तैयारी है और आम जनमानस को इसके लिए क्या। मैं सर, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे मौका दिया है इस प्लेटफॉर्म पर बोलने के लिए। देखिए, आपने जब पिछले साल हमारा कोविड बीमारी आई थी, कोरोना बीमारी आई थी, तो हम लगभग तैयार नहीं थे उससे लड़ने के लिए। फिर सरकार ने बहुत मेहनत करी, सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने, सभी हेल्थ केयर वर्कर्स ने, सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स ने बहुत मेहनत करी और उसको फिर पहली लहर को कंट्रोल में लाया। जैसा कि आपको विदित होगा कि पहले लहर में हमारी जो फर्टिलिटी रेट थी वो बहुत कम थी, कोविड से जो मरने का रेट है वो बहुत कम था। पर जैसा कि आपने देखा, जब दूसरी लहर आई तो इसमें एकदम बदले हुए साइन सिम्टम्स दिखे जो कि आपको पहली लहर में देखने को नहीं मिले। इस लहर में आपने ऑब्जर्व किया होगा, जिस अगर आपके भूल चूक से किसी रिश्तेदार नातेदार को अगर कोविड पॉजिटिव हुए हैं तो आपने देखा होगा कि अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है तो 3 या 4 दिन या 5 दिन में एकदम से उनका ऑक्सीजन लेवल फॉल हो गया, एकदम 85 पहुंच गया, 80 पहुंच गया, कई का तो 45 तक पहुंच गया। पहले दिन अगर किसी ने सीटी स्कैन कराई तो उनका जो सीटी स्कोर आया वो 5 आया, अचानक से 4-5-6 दिन बाद जब हमने सीटी स्कैन करवाई तो उनका स्कोर 15 हो गया, 20 हो गया, कई का 25 हो गया। तो ये बेसिकली हुआ क्यों? ये हुआ क्योंकि हर वायरस अपना जेनेटिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट करता है, वो अपने स्ट्रेन्स को चेंज करता है, बदलता है, परिवर्तन आता है, जिसके कारण अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं अलग अलग ह्यूमन बॉडी पे। पर देखा गया कि अगर परिवर्तन हुआ भी है, जेनेटिक शिफ्ट ड्रिफ्ट हुआ भी है और आप अगर वैक्सीनेटेड हैं तो आपको उतना प्रभाव वो नहीं कर पाया, भले ही इसका स्ट्रेन चेंज हो गया। तो अब जो थर्ड वेव आने वाली है उसके लिए मैं अभी आप सबसे ये आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि थर्ड वेव आने के पहले आप सभी अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए। 45 प्लस जो हमारी एज ग्रुप है वो ज़्यादा मॉर्बिडिटी ज़्यादा होती है उनमें और ज़्यादा प्रभावित होती है, और कहना चाहिए कि डेथ रेट भी 45 प्लस में ही ज़्यादा होता है मॉर्बिडिटी होने के कारण। अगर आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या कोई भी इन्फेक्शन है आपकी बॉडी में, उसके साथ साथ आपको अगर कोविड हो जाता है तो लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको अपने अंदर, शरीर के अंदर तैनात फौजी जो भी हमारे WBC हैं, उनको ये सिखाना पड़ेगा कि आपको कोरोना से लड़ना कैसे है। आपको भले ही कोरोना कोविड पॉजिटिव अभी आप सेकंड वेव में या फर्स्ट वेव में हो चुके हैं, आपके पास एंटीबॉडीज होंगी, बिल्कुल होंगी, पर मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी कोविड वैक्सीनेशन करवाएं, इससे आपका एंटीबॉडी जो रेट है वो और बढ़ जाएगा, एंटीबॉडी के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आप कोविड पॉजिटिव हुए हैं तो आप उसके कोविड पॉजिटिव होने से 3 महीने बाद आप कोविड का टीकाकरण करवा सकते हैं। तो मेरा सभी से आग्रह है अब, और दूसरी चीज ये भी नहीं आ गई है प्रोटोकॉल में कि अब जो हमारी धात्री महिलाएं हैं जो बच्चों को स्तनपान कराती हैं उनको भी टीकाकरण किया जा सकता है।
तो जितनी भी महिलाएं स्तनपान कराती थी और जो अभी तक वंचित रह गई थी टीकाकरण से, वो भी उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप सभी भी टीकाकरण करवाइए। 18 से 44 एज ग्रुप में ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है और शहरी दमों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपने आप को टीकाकृत करवाएं, जिससे कि आपका शरीर लड़ने के लिए, थर्ड वेव से लड़ने के लिए तैयार रहे। डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद, हमने आपकी जानकारी दी विस्तृत रूप से। मित्रों ये बिल्कुल जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपके शरीर के अंदर जो WBC है, जो सैनिक है, वह तैयार हो और इस तैयारी करने के लिए आवश्यक है उसके लिए कि वो वैक्सीन जो लगाई जाएगी वो वैक्सीन से मिलकर आपके शरीर में एच एक्वाइरिंग जी डेवलप करेंगे, जो बीमारी के कीटाणु को पराजित करने के लिए निश्चित रूप से ही कार्य करेंगे। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जितनी जो मौतें हो रही हैं समय काल के काल में लोग संभा रहे हैं, कम उम्र के लापरवाही के कारण, वैक्सीन का जो भ्रम था उस भ्रम के कारण उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। वैक्सीन अगर लग जाती तो आपका समय काल के काल में नहीं पहुंचेंगे, तीसरी लहर आए, थर्ड वेव आए, उसके पहले वैक्सीन लगवा दें, तैयार हो जाएंगे मुकाबला करने के लिए। क्योंकि जीतना है, हमें जीतेगा दम, जीतेगा प्रदेश, जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। जिस लक्ष्य को लेकर हमें वह सब भी करना है, 2 गज की दूरी, मास्क में जरूरी, बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, साबुन से धोइए और जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं समय समय पर, क्योंकि जो बीमारी जो है वो अचानक एक नए रूप में आई बदल रही है। दिशा निर्देश जो आते हैं उन दिशा निर्देशों का हम सबको पालन करना है, लगातार जुड़े हुए मुझे मिलते हैं फिर एक नए व्यक्तित्व के साथ, सच्चा के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।